नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज हम आपको बताएंगे मारुति अर्टिगा 2018 के बारे में। हमने एक छोटा क्लिप बनाया था कुछ समय पहले जब ये गाड़ी अनवील हुई थी इंडोनेशिया में, और आप लोग ने उसे बहुत पसंद किया था, पर आपने मुझसे और डिटेल्स मांगे थे इस गाड़ी के बारे में। तो चलिए आज के सेशन में हम आपको एकदम डिटेल्ड चीज़ें बताते हैं कि ये गाड़ी में आपको क्या फीचर्स आएंगे, वेरियंट्स, स्पेसिफिकेशंस, मोस्टली प्राइस अप्रॉक्सीमेटली हम बता सकते हैं आपको। मेरा नाम राजित हिरानी है और आज मैं आपको डिटेल्स सब दे दूंगा। तो तुरंत ही चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप मिस आउट कर रहे हैं काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़ और कंपैरिजन दोस्तों। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हम आज का ये डिटेल्ड अपकमिंग कार वीडियो। तो दोस्तों, मारुति अर्टिगा 2018 जो आने वाली है वो एक ऑल न्यू गाड़ी है। ये एक फेसलिफ्ट नहीं है। इसकी वजह से इसके डायमेंशंस बदल जाएंगे, गाड़ी की लुक्स बदल जाएंगे, इंटीरियर स्टाइलिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं आज आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि नई अर्टिगा हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी, जिसपे स्विफ्ट, डिज़ायर, बलेनो ऑलरेडी बनी हुई है। ये चौथी गाड़ी आएगी इसी प्लेटफॉर्म पर। अब इस गाड़ी का भी वज़न कम होगा, आई डोंट नो, बाय अबाउट 100-150 किलोस अप्रॉक्सीमेटली। पर यह गाड़ी की लेंथ बढ़ जाएगी, जो अभी अर्टिगा आती है उससे ये गाड़ी ज़्यादा लंबी रहेगी और ज़्यादा चौड़ी भी रहेगी। इसके कारण आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। इसमें आपको मिलेंगे दो एयरबैग्स विथ ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट। ये हर एक वेरिएंट में आपको ऑफर कर दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं विद द एक्सटीरियर स्टाइलिंग। अब नई अर्टिगा जो आने वाली है वो नए प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी, और इसका जो फ्रंट एंड है वो किसी और गाड़ी की तरह नहीं लगेगा, ये नया रहेगा, ऑल न्यू। दिखने में फ्रंट काफ़ी अच्छा लगता है इसके हैं, और ये वाइट कलर के प्रोजेक्टर लैम्प्स आएंगे विद डे टाइम रनिंग LEDs। तो प्रोजेक्टर लैम्प्स और डे टाइम रनिंग LEDs सिर्फ हायर वेरियंट्स में ऑफर किया जाएगा, लोअर वेरियंट्स में नहीं ऑफर किया जाएगा इनको। साथ में इसका जो साइड प्रोफाइल रहेगा वो भी काफ़ी अलग दिखेगा। इसमें आपको लाइट्स मिलेंगे, इंडिकेटर जो आपके मिरर पे लगे रहेंगे। इसके टायर्स जो रहेंगे वो काफ़ी स्टाइलिश और डायमंड कट अलॉयज मिलेंगे आपको हायर वेरिएंट्स पे। रियर से ये मुझे थोड़ी बहुत इनोवा क्रेस्टा की याद दिलाती है, और काफ़ी अलग दिखती है अगर हम करंट अर्टिगा से बात करें। करंट अर्टिगा पीछे से इतनी स्टाइलिश नहीं लगती है, ये दिखने में ज़्यादा बेहतरीन लगती है। इसके इंटीरियर्स जब आप देखेंगे, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसका जो डैशबोर्ड है वो हूबहू स्विफ्ट और डिज़ायर जैसा लगता है। इनफैक्ट अगर स्विफ्ट डिज़ायर का अगर आप इंटीरियर बेज कर दे, ऑल बेज, तो ये कुछ अर्टिगा जैसा दिखेगा। पर यहाँ पे भी थोड़े बहुत चेंजेस है। फॉर एग्जांपल, जो इसका सेंटर कंसोल है वहाँ पे चेंजेस किए गए, इसके स्टीयरिंग व्हील पे थोड़े माइनर चेंजेस किए गए, और साथ में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको माइनर चेंजेस दिखेंगे। सबसे पहली चीज़, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है लगभग वैसे ही है जैसे आपको डिज़ायर स्विफ्ट में आता है। दो डायल्स हैं इसमें, साथ में बीच में ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम है पर बेज कलर का दिया हुआ है। इसमें आपको कंट्रोल्स दिए हुए हैं ऑडियो के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए, और साथ में मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में इसमें क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाएगा। सेंटर कंसोल जब आप देखेंगे, यहाँ पे 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है जो एक टैबलेट की तरह लगेगा, जैसे आप इग्निस में देखा है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए जाएंगे, शायद मिरर लिंक भी ऑफर कर दिया जाए। अब जो इंडोनेशियन वर्जन गाड़ी दिखाई गई थी उसमें आपको AC कंट्रोल्स जो थे वो मैनुअल थे, पर इंडिया में जो आएगी उसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाएगा, और ये कुछ डिज़ायर जैसा इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिखेगा। फ़र्क ये रहेगा कि ये बेज कलर का रहेगा। इसके जो कप होल्डर्स आगे मिलते हैं उसमें आपको वेंटिलेशन मिलती है जिससे वो ठंडे रह सके फॉर लॉन्गर टाइम। साथ में आपको काफ़ी स्टोरेज स्पेसेस भी मिलेंगे गाड़ी में। ग्लव बॉक्स की साइज़ डिसेंट रहेगी। डोर पैड्स में आप 1-1 लीटर की बॉटलें बिठा सकते हो, और साथ में इसके जो फ्रंट सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट डिज़ायर की तरह रहेंगे, कम्फर्टेबल। हेडरेस्ट उसका अच्छे से आगे की तरफ थोड़ा रिक्लाइन होगा जिससे आप रिलैक्स करके बैठ सकते हो। आपको अच्छा साइड सपोर्ट दिया जाएगा, पर इसमें भी आपका जो फ्लोर रहेगा ना वो बेज कलर रहेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से मैला हो जाएगा।
अब सेकेंड रो सीट्स की अगर बात की जाए तो जो करंट अर्टिगा आती है उसमें स्पेस डिसेंट है, इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेस की उम्मीद की जा सकती है। आपको पीछे एसी वेंट्स दिए जाएंगे, साथ में कप होल्डर्स दिए जाएंगे, आर्म रेस्ट मिलेगा आपको सेकेंड रो में, और थर्ड रो में दो जने बैठ जाएंगे। जितना मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि व्हील बेस बढ़ गया है इसके कारण थर्ड रो में थोड़ी राहत मिलेगी पैसेंजर्स को नी रूम के मामले में। हेड रूम जस्ट सफिशेंट रहेगा, ज़्यादा बेहतरीन नहीं रहेगा। टॉल पैसेंजर्स थोड़ा समय बिता सकते हैं, नॉट वेरी लॉन्ग टाइम एट द बैक। इसका बूट सबसे बड़ा नहीं है और जस्ट सफिशेंट रहेगा अगर 5 जने जाएं। अगर 7 जने जाते हैं तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, क्योंकि स्पेस बहुत कम बचती है जब तीनों रोज लिफ्टेड है। अब हम बात करें अगर इंजन्स की, तो दो इंजन्स आएंगे। एक है 1.5 लीटर पेट्रोल, ये नया इंजन रहेगा, ये उपलब्ध कराया जाएगा विथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT, और आपको CNG वर्जन भी आएगा इसमें। ये 1.5 लीटर इंजन 105 BHP तक का पावर बनाएगा, और जो दूसरा इंजन आएगा वो 1.3 लीटर डीजल रहेगा, ये 90 BHP पावर बनाएगा, ये AMT के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, पर ये 5 स्पीड मैनुअल ही रहेगा और AMT भी 5 स्पीड ही रहने वाला है। अब अगर आप बात करें इस गाड़ी के वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको L, V, Z, Z+ 4 वेरिएंट्स मिलेंगे इस गाड़ी में, और आपको जो टॉप मॉडल है उसमें शायद आपको लेदर अपोल्स्ट्री तक का फीचर दे दिया जाए सीट्स पे, आपके स्टीयरिंग व्हील पे और आपके गियर लीवर पे। यहाँ पे आपको लेदर अपोल्स्ट्री दे दिया जाएगा, सनरूफ इसमें नहीं ऑफर किया जाएगा। साथ में आपका अगला सवाल रहेगा क्रूज कंट्रोल, तो क्रूज कंट्रोल मैंने ऑलरेडी बताया कि शायद इसमें ऑफर कर दिया जाए, नॉट 100% कन्फर्म। प्राइसिंग की अगर बात करें हम इसकी, तो ये 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी रहेगी, इसके कारण इस पे थोड़ी ज़्यादा टैक्सेस लग जाएंगी। इसके कारण इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली शुरू होनी चाहिए 7 लाख से, और ये 11.5 से 12 लाख रुपए तक इसकी प्राइस जानी चाहिए एटलीस्ट। जो पेट्रोल है वो ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगी, डीजल थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगी। हमारा ये मानना है कि शायद मारुति 1.5 लीटर पेट्रोल पे आपको CVT दे दे बाय अ सरप्राइज, जो बहुत अच्छी चीज़ होगी, पर इस पे कंफर्मेशन नहीं है। मेरे हिसाब से AMT बिकम्स मोर इकोनॉमिकल, पर CVT के भी अपने काफ़ी बेनिफिट्स हैं। ये गाड़ी का लॉन्च होना चाहिए दिवाली के आसपास, जो होगा अक्टूबर नवंबर के टाइम, और ये गाड़ी बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगी। मेरा मानना ये है कि मारुति शायद इसे दिवाली से जस्ट पहले लॉन्च कर दे, ताकि दिवाली पे जाके लोग इसे खरीद पाए और उनकी सेल्स और बढ़ जाए। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे तुरंत ही लाइक कर लीजिए, आपके लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी डाउट हो अपना समझ के नीचे कमेंट छोड़ दीजिए, उसका जवाब मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। अब इससे पहले कि मैं ये सेशन ख़त्म करूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम परसों से इंस्टाग्राम पे कॉन्टेस्ट रखने वाले हैं, जिसमें हम स्मार्टफोन गिव अवे करेंगे। अब वो स्मार्टफोन क्या है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वो आपको सैटरडे या मंडे तक पता चलेगा। वो हमारे ओकिनावा वेब सीरीज का पार्ट है, तो हम लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लद्दाख तक। ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हमने अपने हाथों में लिया है, और हम इसे चेंज करना चाहते हैं पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक हमारे देश का फ्यूचर है और हम इसमें अभी से ही योगदान देना चाहते हैं। तो जरूर जाके वो वीडियो देख लीजिए, मैं आई बटन पे उसका लिंक छोड़ रहा हूं। और हाँ, वो वेब सीरीज में हम स्मार्टफोन गिव अवेज करने वाले हैं, वो भी दो, तो तुरंत ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो ना मिस करें, क्योंकि उसका सवाल आएगा इंस्टाग्राम पे और वहां पे आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, तब आप जीत सकते हैं वो स्मार्टफोन्स। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल फिर से। जय हिंद।